ये स्कूल है साथ, ये वहाँ से हम लोग निकलते हैं, ये शॉर्टकट है। ये देखो ऐसी प्यारी लोकेशन बनी हुई है, ये देखो। वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो यार काफ़ी दफ़ा मैं बोलता हूँ वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, वो भी चल जाता है, और वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग वो भी चल जाता है। जो आपको पसंद आ रहा है आप कर लो। अच्छा मेरे को तो यही पसंद आते हैं, जो दोनों में से आते हैं मैं बोल देता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट को ठोक देना है। सही है, अभी आपको लेके चलता हूँ अपनी ज़मीनों की तरफ, जो है विलेज वगैरह दिखाता हूँ मैं साथ। तो चलो, ये जो ज़मीन है ना ये भी हमारी है। ये जो घर के सामने इधर आओ ना, ये इधर वाली वो सामने छलियों हैं, ये वो सब हमारी हैं। यहाँ से लिया यू टर्न और सीधा स्ट्रेट ज़मीनें आ जाएंगी फिर। ये गुजरे थे अभी रहमान भाई, और ये नहर चल रही है साथ के साथ। ये हमारी नहर है जिसमें हम छोटे हुआ करते थे 10-11 साल के, फिर नहाया करते थे इसके अंदर। अभी तो नहाने का दिल ही नहीं करता है, नहर की हालत ही ऐसी हुई है। पहले सफाई थी, निकलते मेरे व्लॉग में देखा होगा, वहाँ से चलता हुआ जा रहा। तो वहाँ ये भी घर के पीछे से ना शॉर्टकट है, ये देखो ये स्कूल है साथ, ये वहाँ से हम लोग निकलते हैं, ये शॉर्टकट है। ये देखो ऐसी प्यारी लोकेशन बनी हुई है, ये देखो ये है हमारा विलेज। ये पुल है, तो वो पीछे से हम लोग आए हैं, वो पीछे से देखो नहर के अंदर। देखो देखो कितना मतलब कचरा वगैरह जा रहा है। ये देखो पिंड में भी वीआईपी रेनोवेट हुए हुए घर बनाए हुए, हमारे गांव का कब्रिस्तान है। और थोड़ा सा आगे जाओ ना, वो सामने आ गया पीपल का दरख्त जो आपको मैंने दिखाया था तकरीबन 6 महीने पहले जब मैं आया था, वब दिखाया था आपको। ये देखो ये सारी मतलब कि हमारी ज़मीन है, यहाँ से ना ये सारी वो बड़े बड़े जहाँ तरक दिख रहे हैं ना वहाँ तक हमारी ज़मीन है। ये अभी जो है इस पर कपास वगैरह लगाई थी, कपास वगैरह के मतलब सीज़न चले गया, तो अभी जो है ना गंदुम लगाएंगे। वो बड़े बड़े दूर दूर जहाँ दरक दिख रहे हैं ना वो वाले, सीज़न चले गया ना कपास का भी, ये सारी काश्त होकर गंदुम लगाई जाएगी सारी वहाँ वहाँ तक। ऐसे बड़ी मेहनत का काम है, इतनी सारी ज़मीन है, मतलब कि दिन के अंदर बंदा दिन में रात में दोपहर में खाना शाना फिर जो है ना वहाँ घर से वहाँ से फिर इधर ही ले आते हैं इधर। आते मेरे मोहसिन भाई, सही ये भी मेरे कज़न है। ये गाइज मेरा विलेज है, देख लो सही है ना, ये पीछे वीआईपी माहौल है इधर। घर ही चल। तो ये मैंने आपको अपना जो है फिलहाल करीब करीब का जो था वो दिखा दिया है बाइक पे ही। कैसा वीआईपी निज़ाम, चलो आपको डेरा दिखाता हूँ। ये वाला हमारा डेरा, ये वाला ये देखो बिल्कुल सजाया हुआ है। तो ये जो भाई गए थे देख रहे थे कि भाई ये ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ये भी हमारे कज़न है जो भी बाइक पे गए थे ना। ये देखो इधर जो है दरख्त शरख छाड़ दिए, ये उतरे सीधा नीचे। ये बंगले चेक करो, ये देखो ये भाई बंगले बड़े इन सीज़न में निकले हुए होते हैं। इधर पानी वगैरह लगाने कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं, वो उनको पता है फिर वो उठा रहे हैं वहाँ से। ये अपना छोटा डेरा आ गया, गिफ्ट अनबॉक्सिंग करने लगे। चलें भाई अनबॉक्सिंग करें, कोई मसला नहीं है। आइडियाज कैमरा लाइक इधर मशीन अनबॉक्सिंग कर। नहीं नहीं
उसके काम चक्कर, उसके उसके काम चक्कर। जबरदस्त उल्टा है भी, चीजें अनबॉक्सिंग हो रही इधर। वो देखो लैंप इसको लाइटिंग में बंद करके चलाऊंगा बाद में, ठीक हो गया। ये मैंने डोलमेन मॉल से लिया था, ठीक है। नहीं बहुत प्यारा है, टेस्ट करें सही है। क्या बात है यार, क्या बात, ये बात है। आपको भी चेक करवा दें, करवा दें मुझे भी चेक। अच्छा आपको भी लिखवा देता हूँ। बस बस अभी जो हम घर पहुंच चुके हैं और गिफ्ट की अनबॉक्सिंग वगैरह सब कुछ हो गई है, और आपको मैंने अपनी ज़मीनें वगैरह बाइक पे हल्का से जो इंट्रो करवाना था वो करवा दिया है। अभी जो थोड़ी धूप निकली वरना सर्दी लग रही थी पहले और धुंध थी। भाई इधर हम लोगों ने मंगवा ली सात चाय, थोड़ी पी ली है मैंने, और मोहसिन भाई शर्मा रहे हैं। जैसा कि मेरे सारे कज़न आपको पता है कैमरे के सामने आते ही शर्मा जाते हैं, जितने भी मैंने आपको अभी तक दिखाए उसमें एक जैन नहीं था जो मतलब कि थोड़ा बोल रहा था, बाकी तो सब शर्मा रहे थे। जैसे अभी ये इनके सामने कैमरा करूँगा हंसी निकल आएगी इनकी, देखिएगा। देखा। और आज मौसम ना बड़ा वीआईपी बना, सुबह से मतलब कि सर्दी स्टार्ट होगी। शुक्र हम सर्दियों वाले कपड़े ले आए। वो धुंध दिख रही है ना आपको, ये अभी तक धुंध ही है, सर्दी हो रही है धुंध हो रही है यार। वो देखो उधर उधर ये सारे दरख्त लगे हुए, ये देखो पंजाब में ये मज़ा होता है। देखो दरख्त ही दरख्त, दरख्त ही दरख्त, दरख्त ही दरख्त, दरख्त ही। और हम बाहर बैठ कर टिकटॉक वगैरह चला रहे हैं। मान भाई अभी जो है ना यहाँ पर सब्ज़ियाँ वगैरह लगाएँगे। ये भाई आ रहे हैं स्लोमो वॉक करते हुए, हैं सब्जी लगा। हाँ यहाँ पे ना सब्जी लगाने लगे हैं यहाँ पे, शाम नहीं लावा अभी धूप हो रही है ना, सर्दी भी हो रही है हल्की हल्की, धुंध हो रही है हल्की हल्की, कोई ठंड ठंड नहीं, कोई शाह नहीं, कोई शाह नहीं है मेरी बना रहे। और अभी भाई शादी वगैरह गुजर चुकी है, शादी का मतलब लास्ट दिन भी कर गुजर चुके हैं अभी में। अभी जो हम फ्री घूम रहे, टेंट वगैरह सब कुछ मतलब कि जो डेकोरेट वगैरह करवाया था सब फारिग करवा दिया। उसको देखो कैसे देख रही है मजे से अपना। वो देखो वो लहसुन लगा रहा है ना उधर बैठ के, ये देख रहा था मेरे को। और आप लोग बताना भाई हमारी शादी मतलब कि कैसी गुजरी है, आप लोग को अच्छी लगी कि नहीं लगी शादी। एक तो वी आई पी हुई है, आप लोग कमेंट में बताना कि शादी कैसी गुजरी, ठीक है। व्लॉग वगैरह जो है अभी आप लोग देख रहे होगे वेडिंग के, जिसने नहीं देखे वो पहले वो वाले व्लॉग देख ले वेडिंग के व्लॉग से ही। आप लोगों ने घर वगैरह जो है मेहंदी की रात और वलीमे वगैरह में देख ही लिया होगा अंदर से। तो भाई मैं आ गया हूँ अंदर बाहर, और ये लहसुन वगैरह कास्ट कर रहे हैं, सब्जियाँ वगैरह कास्ट कर रहे हैं। तो भाई जी ड्रोन शॉट ले रहे थे उनको, जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल दिखाया ना, अच्छा उन्होंने कहा कि आपको जो है अभी के अभी हम जैसे ड्रोन शॉट जो है हम कैप्चर करेंगे ना तो आपको दे देंगे, आप अपने व्लॉग्स में लगा लेना, ठीक है। नहीं मैंने उनको कहा था भाई आप जो ना एडिट करके दे देना। फिर रात को चले गए थे मेहंदी के बाद, अगर मेहंदी वाला ड्रोन शॉट देखना तो मेहंदी वाला व्लॉग आप लोग जाके देख लो, वेडिंग वाला व्लॉग है मेरे चैनल में पड़ा हुआ जाके देख लो। उसमें जो है मैंने ड्रोन शॉट मतलब के भाई से लिए थे, एडिट हुए हुए उन्होंने फिर एडिट करके भेजा था। तो आप लोग बताना कि वो एडिट हुआ हुआ ड्रोन शॉट कैसा था मेहंदी का, ऊपर से उसने पूरा गाँव और फायरवर्क्स और घर वगैरह की लाइटनिंग वगैरह वो सब उन्होंने कवर किया था ड्रोन शॉट के अंदर। आप ये मेहंदी के व्लॉग्स में देख सकते हो, मेहंदी का व्लॉग जो है मेरा चैनल में पड़ा हुआ है। अच्छा हमको सिखा रिया है।